रेलवे स्टेशन स्थित जीआरपी कॉलोनी में बने एक प्रसिद्ध काली मंदिर की बाउंड्री वॉल तोड़ने का मामला सामने आया है। रेलवे प्रशासन के बाउंड्री वॉल तोड़ने के बाद स्थानीय लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया। सूचना प्राप्त होते ही जब हमारी टीम मौके पर पहुंची तो वहां उपस्थित मंदिर के पुजारी और कुछ स्थानीय लोगों ने बताया कि मंदिर के बाजू से एक नाली है जिसके कारण गंदा पानी मंदिर के अंदर आ जाता है और जिससे मंदिर में गंदगी फैल जाती है। इस कारण मंदिर समिति ने बाउंड्री वॉल का निर्माण कराया था, लेकिन रेलवे के कुछ कर्मचारियों द्वारा यहां आकर मंदिर की बाउंड्री वॉल को तोड़ दिया गया। मंदिर के पुजारी कुछ स्थानीय लोगों से जब हमने पूछताछ की बाउंड्री वॉल क्यों तोड़ी गई, इसका क्या उद्देश्य हो सकता है, तो मंदिर के पुजारी स्थानीय लोगों द्वारा बताया गया कि मंदिर लगभग 100 साल पुराना है। मंदिर समिति द्वारा मंदिर प्रांगण की जगह में बाउंड्री वॉल का निर्माण कार्य कराया गया था, लेकिन रेलवे के कर्मचारियों का कहना है कि अवैध कब्जे की जमीन है, यहाँ पर किसी भी प्रकार की बाउंड्री वॉल का निर्माण नहीं किया जा सकता है। और यह कहते हुए उन्होंने मंदिर की बाउंड्री वॉल को तोड़ा और मंदिर के पुजारी के साथ अभद्र व्यवहार और गाली गलौज किया। ऐसे में देखना यह है कि एक ओर सरकार जहां जय श्री राम और हिंदुत्व का नारा लगा रही है, वहीं दूसरी ओर रेलवे के कर्मचारियों द्वारा एक प्रसिद्ध काली मंदिर की बाउंड्री वॉल को इस तरह से क्षतिग्रस्त किया गया है। अब शासन प्रशासन क्या कदम उठाता है, क्या मामला है, क्या हुआ है यहाँ पर मंदिर की दीवार को लेकर? वो आगे एकदम से बस बिजली बाबे हैसियत में थे, ने हमारी समझ दीवार आन जाए और न कोई प्रकार को मैंने समझौता की बात कही, एकदम से वैसा ठंड चलवा जाए और हमें भी जोर है उनके नए जो हम भी आप जो कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं, हम कोई दूसरा काम से नहीं कर रहे हैं। आप शासन को काम कर रहे हैं, मैया की सेवा कर रहे हैं, समिति वालों बलबाजू पर भी टेम नहीं थे, लठिया मठिया धरे थे। कितने लोग थे लगभग? कम से कम 7 आदमी 8 आदमी। तो उन्होंने क्या मंदिर परिसर में भी घुसे थे क्या? हाँ, सब में घूमे थे, जूता पहन के। हाँ, जूता पहन घूमे पूरा। ये तकरीबन आपको जानकारी देना चाहता हूँ, ये मंदिर करीब 100 से 150 साल पुराना है और बहुत सिद्ध मंदिर है। ये इसमें मंदिर के प्रांगण में गंदगी ना हो इसलिए मंदिर समिति ने 2-3 फीट की बाउंड्री वॉल बना दी थी, लेकिन कुछ आज की डेट में कुछ रेलवे के कर्मचारी आए और इसको बहुत मतलब नुकसान पहुंचाने के हिसाब से पूरी बाउंड्री वॉल को तोड़ दिया उन्होंने। तो रेलवे के जो कर्मचारी आए थे उनका क्या कहना था, उन्होंने क्या क्या कर बाउंड्री वॉल तोड़ी उन्होंने? उनका कोई कुछ कहना नहीं है, उनका ये कहना है कि आप इस पर कब्जा कर रहे हैं, जबकि ये मंदिर तो पहले से बना हुआ है और मंदिर का ही प्रांगण है ये, और उसी में बाउंड्री वॉल, और बाउंड्री वॉल भी मंदिर समिति ने इसलिए बनवाई क्योंकि यहाँ बगल से नाली बह रही है, वो नाली का पानी बरसात में मंदिर में भी आ जाता है, गाय और जैसे और भी जानवर है जो वो भी सब सारे मंदिर में आ जाते हैं, तो इससे मंदिर में गंदगी फैलती है। क्योंकि ये माता जी का मंदिर है तो यहाँ हर चीज का ध्यान रखा जाता है। बताया जाता है कि रेलवे के जो कर्मचारी आते उन्होंने कुछ अभद्रता भी की है और पुजारी जी के द्वारा कुछ बताया भी गया। उनका जो बात करने का तरीका था और जो करने का तरीका था वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। उन्होंने हमारे पंडित जी थे जो हमारे मंदिर की देखभाल करते हैं और माता जी की पूजा पाठ में जो सुबह से शाम तक रहते हैं, उनसे भी बदतमीजी करी है, गाली गलौज किया है, डंडा दिखाया गया है। तो ये इस टाइप का मतलब उनका जो तरीका था वो हम लोगों को बिल्कुल भी रास नहीं आ रहा है कि अगर कोई काम को करना था उनको तो वो एक बार मंदिर समिति से बोल देते। आप लोग इस तरीके के जो रेलवे के जो कर्मचारी अधिकारी उनके रवैये को लेकर आप लोग किस प्रकार की कार्रवाई की अपील करना चाहेंगे? नहीं, उनका रवैया तो बहुत ही गलत है। अब उसमें हम जो चाहेंगे कार्रवाई वो तो वो हमारे ऊपर नहीं है, लेकिन भगवान तो देख रहे हैं, स्वयं माता रानी बैठी हुई है यहाँ पे, तो माता रानी देख रही है, माता रानी अपने हिसाब से उनके ऊपर कार्रवाई करेंगी। गटरवारा से संजय गुप्ता की रिपोर्ट।